हेलो फ्रेंड, दिस इज सुनील फ्रॉम हरीश मारा नुक्कड़ शॉप। कैसे हो आप सब? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम थोड़ा आलसी हो गया हूँ। आजकल फुल ड्यूटी हो गई है शॉप पे, तो टाइम नहीं मिल पाता। पर आज रात को मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स को कुछ नई लुक के दिखाया जाए। आजकल कुछ नया ही चल रहा है आज मार्केट में। तो अभी कोकोया ने जस्ट दो तीन सीरीज लॉन्च करी है। इसका नाम है प्राइम सीरीज, जिसमें कि एक सिडनी और एक इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को अभी, क्या है तोरा करोना पता नहीं क्या रखा था। तो ये एक मॉडल अनबॉक्स करते हैं, इसके बारे में जानते हैं हम। ये रहा इसका नाम, इसी पे देख के पता लग जाएगा। एक मॉडल अपना ये आया हुआ है, उसके बाद ये भी खोलते हैं। तो देर न लगाते हुए, हमारे कल्लू की लेट हो रहे हैं। तो इसको अनबॉक्स करने के लिए इसके चिमटे की नीड पड़ेगी, इतनी हैवी पैकिंग कर रखी है। चिमटे की क्वालिटी पहले से सुधरी हुई है ना कैमरामैन जी? मेरे को ये वाला बहुत फाइन क्वालिटी का लग रहा है, और मुझे लग रहा है एक वेइंग मशीन लेनी पड़ेगी इसकी एक्सेसरीज का वेट करने के लिए। इसका पार्ट अंदर रह गया। हाँ तो ये ऐसे है, फॉल कॉन्सेप्ट निकाल दिया हुआ। ओ तो ये देख लो, इसका नाम है, क्या नाम है भाई? काइरो। अभी सिर्फ बॉडी निकालिए, पूरा हुक्का सेटअप करते उसके बाद जानते हैं इसके बारे में। ये अपनी सिलिकॉन की पाइप, चिलम कोको आया, कैसी चिलम निकाली, थोड़ी छोटी कर दी। वो क्वालिटी बहुत अच्छी है, गहरी भी अच्छी है, ठीक है, इसमें स्मोक भी जल्दी आएगा। तो आज इसी फ्लेम चिलम में हुक्का पीते हैं हम। कायरो प्राइम सीरीज। चलो कृष्ण जी, हम नहीं बन सकते, ये रखा, इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसमें और कुछ एक्सेसरीज हैं टॉम को छोड़ के, बॉक्स भी अच्छा बनाया इन्होंने वाइट। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, नहीं तो हमारे भाई साहब हुक्का नहीं देने देंगे हमें। बहुत ही कॉम्पैक्ट पैकिंग करी हुई है। हाँ नाजुक चीज है तो कॉम्पैक्ट पैकिंग बनती भी है। अच्छा ये तो अपना मुंह झुक्का की तरह ग्लास लग रहा है, बहुत ही प्यारा ग्लास है कैमरामैन जी। मुंह झुक्का मतलब थोड़ा छोटी हाइट में हो गया उक्का ही। इसको सेटअप बिठाते हैं, रबड़ कॉन्सेप्ट में निकाला है, थोड़ा इंग्लिश स्टाइल में। अच्छा इसमें अपने पास वो आता है ना, वो भी लगा सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्मोक तार कैचर। ये वाला पार्ट निकल जाता है, ये अब नए हुक्कों में यही कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट जो डायरेक्ट निकल जाता है, ताकि हम अच्छे से इजी से वॉश कर लें। कैमरामैन जी हाथ क्यों हिल रहे तुम्हारे, नशा कर लियो क्या कोई? ये हमने प्लेट लगा दी इस पे इजिली, और इसके थोड़ा पास लाओ कैमरामैन जी, आज तो नशे में बैठे हो आप। ये इसमें डिफ्यूजर बहुत साइडेड है, जैसे कि अभी ये डिफ्यूजर का वर्क नहीं करेगा, ये देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। इसमें आपको डिफ्यूजर का वर्क कराना है, साइलेंट करना है, तो इसको उल्टा लगा दो, दो पार्ट है, गुड़ गुड़ सुननी है तो इस तरह से लगाओ, और अगर साइलेंट करना है डिफ्यूजर इस तरह से लगाओ। ये सारे अब नए ओके में फीचर्स आ रहे हैं, और ये टाइट हो गया पूरा। इसके बाद ये हमारा आपका इसमें बन गया। आज कोकोया में पी के चेक करेगा अगर मुझे। ये मैग्नेटिक दे रखी है इन्होंने, पाइप वाला सिस्टम, ऑलवेज ये अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये बात तो सच है, और मैं इनका फ्री प्रमोशनल बंदा, ये बात भी सच है। मैं इसलिए नहीं प्रमोट करता कि मेरे को कुछ मिलता है या नहीं, एक्चुअली में क्वालिटी इनकी इतनी अच्छी है तो दिल करता है बाकी व्यूवर्स को भी दिखाया जाए। तो इसका बैक फंक्शन जाने के कहाँ से, अच्छा इसका बैक फंक्शन यहाँ से है, वाओ ओके। इसका बैक फंक्शन यहाँ से, मेरे को प्रॉपर अभी समझ नहीं आया ऐसा क्यों, डायरेक्ट निकाले, कहीं मैंने उल्टा तो नहीं लगा दिया। खुल जा, सेम सेम खुल गया, एक मिनट लूंगा मैं समझने के लिए कैमरा मैन जी।
एक मिनट, हाँ सही है। तो ऐसे क्यों नहीं, ऐसे दिया हुआ है, स्मोक यहां से बैक फ्लो आएगा। ये देखिए यहां से बैक फ्लो दिए इन्होंने। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा यहां से बैक फ्लो क्यों दिया, अगर ये डिसअपेयर हो जाएगा यहां से तो चलो कुछ सोच के दिया होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से तो बैक फ्लो वहां छुप जा रहा है प्लेट के नीचे। बाकी कुछ सोचा होगा अपने सिद्धार्थ पोपली भैया जी ने। जेरा प्राइम सीरीज काइरो, और इसकी खास बात है कोकोया है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, छोटे में भी लग्जरी निकाल दे। और ये थोड़ा महंगी रेंज में ही आता है, लग्जरी है तो जैसा आपने मोजुक का देखा होगा 5-6 हज़ार की रेंज में आते थे, ये भी उसी टाइप का है अप्रॉक्स। आई थिंक काइरो का मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, 5 हज़ार की रेंज में ही है, अभी नया है। तो इसकी पाइप भी डायरेक्ट ऐसे ही लगती है, ये यहाँ पे पाइप लग जाएगी आपकी, इसमें इसकी नीड नहीं पड़ती वैसे तो स्प्रिंग की, देख सकते हो आप, क्योंकि पाइप इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। लो खोली देता हूँ मैं पूरी, ये देखो ये मुड़ती नहीं है, नॉर्मल पाइप जो होती है ना वो मुड़ने लगती है, स्प्रिंग होता है यहाँ पे लगाने के लिए कि ये पाइपें जो ऐसे मुड़ जाती है ना उनके लिए। खैर ये तो पाइप भी अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन फिर भी स्प्रिंग लगाए थे दिए साथ में तो। और ये इस तरह से कुछ अंदर यूं चली आती है, ये चारों तरफ मुड़ने पे दिक्कत ना पड़े। और ये हैंडल दिया हुआ है इसका इन्होंने सिम्बा किंग, इन सब के बाद थोड़ा एक्सपेंशन की तरफ बढ़ते हुए कुकुए वाले ठोके। ये इंडिया का टॉप ब्रांड बन चुका है और सब कुछ पूरा गोल्ड में ज्यादा रहते हैं, सोने की लंका में भाग भी लिया था मुझे लगा है। तो ये रहा, कुछ तो खास बात है इसमें, तो सोचूंगा मैं टेस्ट करके देखूं। जब तक एक इसका और मॉडल निकाल लेते हैं हम साथ के साथ अनबॉक्स करते हैं, ये लाइट पे अच्छा लगेगा। कैमरामैन जी लाइट पे थोड़ा सुंदर लग रहा है, जब तक हम इसका दूसरा मॉडल भी खोलते हैं। ये इन्होंने अभी इस पैक में दी है, हो सकता है आगे पैक चेंज करें या कुछ लिमिटेड पीस बनाए हो इन्होंने, क्योंकि नाम तो इसका बड़ा खतरनाक रखा है, सिडनी, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में है सिडनी। हाँ जी कल्लू जी, सिडनी कहाँ पे, सिडनी एरा तो यहाँ आया कि यहाँ आया सिडनी। तो एज यूजल इसकी भी हो, ये मतलब जिम के डंबल की तरह है, इसकी बॉडी काफ़ी हैवी है और बेस भी बड़ा है एज कंपेयर टू अदर बेस। हैंडल भी अच्छा दिया हुआ इन्होंने गोल्ड में प्रॉपर बॉडी के साथ, ठीक है। ये सब तो सेम सीरीज होगी सारी, तो इसको हटाते हैं, पहले हम इसके बेस को खोलते हैं। मुझे लगता नहीं है कुकवेयर के ओके में स्मोक टेस्ट करने की नीड होगी, बाकी आप कुछ कमेंट में बताओगे तब मैं टेस्ट करूंगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पास ओके है, इनमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरा अभी नया हुक्का है खलील, उसका मैंने काफी नाम सुना था इनिशियल टाइम में जब मैं हुक्का बेचता था, और अभी भी इजिप्शियन हुक्के होते हैं कुछ और ये टर्की वगैरह में चलते हैं, तो खलील मैमून ऐसे कुछ नाम आते हैं, अल खवंकी ये सब बहुत चलते हैं, ये काफी हैवी बेस है, पता नहीं कौन सी कंट्री से मंगाया, काफी हैवी है। तो थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं, इसकी भी मशीन अनबॉक्स करते हैं जी, अनबॉक्सिंग में पार्ट चले आएगा हमारा, कोशिश करेंगे। अच्छा हाँ, होली आने वाली है, एडवांस में होली की टी शर्ट पहन ली। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस होली की शुभकामनाएं आप सबको, हैप्पी होली, मतलब भूल गया हमारे कैमरा मैन जी ने इशारा किया, देखो रंगना लग जाते। ओहो बहुत मेहनत कराते भैया, एक तो इतने भारी भारी पार्ट्स हैं इसके। हाँ ये इनका सिस्टम डबल प्लेट तो नहीं है, ये डबल प्लेट भी कर सकते हैं वैसे, मेरे को तो थोड़ा वैसे ही लग रहा है सिडनी, बाकी बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये छोड़ दिया ना तो शीशा धड़क जाएगा एक मिनट में, इतना हैवी है पूरा मेटालिक। तो इसका भी डिफ्यूजर ऐसे ही दिया हुआ है इन्होंने, नहीं इसका ऐसे नहीं है, इसका डिफरेंट है और आई थिंक फिक्स किया हुआ है इन्होंने,
नहीं फिक्स तो नहीं है, डिफ्यूजर दिया हुआ है इन्होंने, ये प्रेशर कुकर की सिट्टी वाला काम करता है। मेरे को तो भाई गुड़गुड़ में भी मजा आता है, साइड में ठीक है, पता ही लगता है कि हुक्का पी रहे, स्मोक भर जाता है उसमें, थोड़ा फील भी आता है, तो हर बंदे की अलग चॉइस है। हाँ डिफ्यूजर कब काम करता है आजकल, तो पिताजी हमारे गए हुए घूमने, पिताजी या माताजी, वाइफ भाई बंधु किसी के सो रहे हो, रात में हुक्का पार्टी चल रही हो बगल वाले रूम में, तब डिफ्यूजर का बहुत साथ रहा है, मेरे साथ भी और कईयों के साथ भी ऐसा होता है। तो क्या पूरी मशीन खुलवाएंगे क्या मेरे से? अरे वाह, पूरा ही खोल के देख लेते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट किया है इन्होंने, ये देखो इसमें चार छल्ले डले होते हैं, और जो लोगों के गायब भी आते हैं ना छल्ले, तो छल्ले भी गायब नहीं होंगे, तार वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया इन्होंने, ये सही किया, क्योंकि कई बार खुलते कहीं से और खुल कहीं और से आता है, जैसे कि इस वाले हुक्के के साथ हुआ हमारे साथ, पूरी इंजीनियरिंग कर दी हमने मजाक मजाक में। ओहो आराम से भाई आराम से, हाथी जैसा तो हुक्का है, पूरी मेहनत करवा दिया। ये लो, ये मेरे को लग रहा है ये डबल प्लेट स्मोक का भी काम करेगा हुक्के का, हाँ ये डबल प्लेट वाला ही कॉन्सेप्ट मेरे को लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी चूड़ी यहाँ लगा के इसको सेट करते हैं हम, ये यही लगेगा। ये मॉब वाला हिसाब किताब है, जो मॉब सेट करने में आ रही थी ना, ये वुडन है, प्लास्टिक है, हैवी प्लास्टिक है बट मजबूत है। जा भाई तू भी अंदर, और ये कहाँ पे था, इधर, ठीक है, और ये इधर, नहीं 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 पहले ये आएगा, उसके बाद ये आता है, फिर ये प्लेट आ गई, उसके बाद ये, पता है प्लेट वाला हुक्का भी बन सकता है, आप प्लेट चाहे वो ऊपर लगा दो स्मोक, फिर प्लेट के ऊपर से आएगा, अदरवाइज डायरेक्ट, तो ये अच्छा जुगाड़ है। कुछ कमी तो नहीं रहेगी इसमें? नहीं, ओके, यहाँ से बैक फ्लो आएगा, या कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने, नहीं ओके ठीक है, कुछ तो गड़बड़ करी है थोड़ी सी, चलो उसको बाद में देखेंगे हम। बाकी सिडिंग ने तो पसीने निकलवा दिए, अभी थोड़ी थोड़ी सर्दियां ही हुई है, ये बड़ी टेंशन की चीज है, लेकिन अंग्रेजी स्टाइल किया इन्होंने। ये रबड़ वाला सिस्टम मेरे को भी बड़ा हार्ड लगता है, देखो कितना हैवी हुक्का है, तो ये रबड़ वाला सिस्टम, इसमें ये दिक्कत आती है, बाकी के में कोई कमी नहीं छोड़ते अपनी तरफ से, और मेरी एक रबड़ गायब है, कैमरामैन जी रबड़ थी इसमें, ओह चलो ये तो मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, लेकिन कभी कभी कस्टमर को मिलता और रबड़ नहीं मिली, बहुत परेशान होता है, तो ये भी ध्यान रखो कभी किसी की रबड़ गायब हो जाए ना, तो आप टिश्यू पेपर या ऐसी कोई भी चीज लेके, अखबार वगैरह लपेट के या कोई सी भी ऐसी चीज लेके थोड़ा सा बीच में छेद करके आप ऐसे देसी जुगाड़ कर सकते हो, अगर ऑन द स्पॉट आपको कुछ चीज ना मिले तो। नहीं ओके में जरूरत नहीं है, जैसे ऑन द स्पॉट आपने खोला कभी भी शॉप वगैरह से ले ली और ऐसी दिक्कत आ गई, ये तब के लिए जुगाड़ बता रहा हूँ, अदरवाइज रबड़ तो बाद में मिली आती है 10 रुपए की, नहीं तो फ्री में भी मिल जाती है। ये इस टाइप का कुछ काम हो जाता है, ये तो बड़ा बाउंसी है, नहीं तो अपना अखबार में काम आ जाता है। चलो ये तो बाद में भैया को बोलूंगा मैं कि रबड़ नहीं मिली, देखो ओपन किया सबके सामने, और ये हैंडल पाइप वाला सेम कॉन्सेप्ट है। चलो अब मैं कोशिश करूंगा इन दो को साइड में रख के, एक नया हुक्का है उसमें पीने की, इसको बाद में ट्राई करेंगे। क्यों कैमरामैन जी, मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। देखो सिडनी।